हाय गाइस, ग्लैम कपल यानी कि ऋषि हिमांशी के सेपरेशन के बाद उनकी व्यूअर्स को काफ़ी हर्ट हुआ और कई लोगों ने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। जैसा कि हमेशा होता आया है, कुछ लोग ऋषि के सपोर्ट में आ गए और कुछ लोग हिमांशी के। अब जो लोग हिमांशी के सपोर्ट में थे, उन लोगों ने ऋषि और उसकी फैमिली को हेट देना शुरू कर दिया। लोगों ने कई तरह के कॉमेंट्स करे, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन ओपिनियन ये था कि ऋषि और ऋषि की फैमिली ने हिमांशी को यूज़ किया है। कुछ लोगों ने ऋषि पर सवाल उठाए और कुछ लोगों ने ऋषि की मम्मी पापा पर। ऋषि की बहन को भी लोगों ने नहीं बख्शा और उन्हें भी भर भर के हेट मिली। अभी रिसेंटली ऋषि की बहन निशि, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने सारे एलिगेशंस और हेट कमेंट्स पर बात की है। ऋषि और हिमांशी के बीच में बहुत लोगों को रीजंस जाना एंड काफी लोगों ने यूट्यूब वीडियोस पे मेरे को उस चीज का रीजन बना दिया बिकॉज ऑफ मी। निशि ने अपने वीडियो में बोला कि लोग हिमांशी और ऋषि के सेपरेशन का रीजन मुझे समझ रहे हैं, जबकि उनके डिसीजन में मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसी का उसके फेम का फायदा उठाया या फिर हिमांशी को यूज करा है। इसके बाद निशि ने इस बात को भी एड्रेस किया, जिसमें लोग बोल रहे थे कि ऋषि और ऋषि की फैमिली ने हिमांशी को यूज किया है। निशि ने कहा कि वो शुरू में हिमांशी के व्लॉग्स में आती थी और लोग उनको पसंद कर रहे थे। वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और वो अपॉर्चुनिटी हिमांशी की वजह से ही क्रिएट हुई थी, जिसकी वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं और इस बात को हमेशा याद रखेंगी। निशि ने ये भी कहा कि जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, उसे मैंने लिया और अपने टैलेंट और विजन से मैं इस यूट्यूब चैनल को यहाँ तक लाई हूँ। और मुझे लगता है कि निशि का ये सारी बातें एक्सप्रेस करना अच्छा है, बजाय बस चुप्पी साध लेने के। निशि ने और भी मुद्दों पर चुप्पी तोड़ते हुए ये भी कहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए हैं। इसका जवाब भी उसने बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट में दिया है और बोला है कि ये लाइफ है और हम एक चीज को पकड़ कर नहीं बैठ सकते, वी हैव टू मूव ऑन। मूव ऑन करना पड़ेगा। अबाउट दिस गाइस, कुछ महीनों पहले अवंती नागराल, जो कि एक यूट्यूबर हैं और उनके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। अवंती को मूव ऑन करने में काफी टाइम लग रहा था, लेकिन इंटरनेट इज सच अ टॉक्सिक थिंग कि लोग उनको कमेंट्स में बोल रहे थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो वॉट एवर यू डू, पीपल आर गोना आस्क। अगली बात जो निशि ने एड्रेस की वो ये थी कि लोग बोलते हैं कि आप अपनी लड़ाइयाँ भी दिखाइए। आप देख रहे हैं एक यूट्यूबर जो पारस और स्नेहा हैं, वो लोग अपनी लड़ाइयाँ भी दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का लाइफ सिचुएशंस को डील करने का तरीका अलग अलग होता है और उनको अपने कम्फर्ट और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उस सिचुएशन को डील करना चाहिए। जहाँ एक तरफ लोग अपने सब्सक्राइबर्स की बातों का जवाब नहीं देते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, वहीं निशि का ये सारी बातें क्लियर करना एक करेजियस चीज है, क्योंकि इग्नोर करना ज्यादा आसान है चीजों को फेस करने से। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।